सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज के वीडियो में बस दो टॉपिक रहेंगे। पहला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब CCE। मतलब कि ये टॉपिक आपका भी, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सब में कॉमन रहेगा। तो CCE करने का मतलब क्या होता है कि इवेल्युएशन का मतलब, इसका मीनिंग हम लोग वीडियोज में सीख चुके हैं पहले। इसमें क्या होता है कि ये एक पैटर्न जो है वो CBSE फॉलो करता है और बाकी बोर्ड भी फॉलो करते हैं, बट शुरुआत CBSE ने इसको पहले किया था। इन्होंने ये बताया था कि आप अपनी टीचिंग मेथड्स में, अपनी स्ट्रेटेजीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए ताकि जो बच्चे हैं वो उसको बेटर तरीके से समझ सकें। मतलब कि जो भी आप ऑनगोइंग जो प्रोसेस होता है, जो भी चल रहा है, उसमें कैसे निरंतर इम्प्रूव किया जाए, निरंतर मतलब कि कॉन्टिन्यूसली उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो CCE के अंदर बताया जाता है। ठीक है, और ये दोनों के लिए होता है, टीचर्स के लिए भी होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। ठीक, और इसका जो मेन लक्ष्य था वो दो थे। पहली बात तो जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे और अच्छा किया जा सके, या फिर बच्चों के अंदर जो हैबिट्स होती हैं कि कैसे उनको और डेवलप कर सकें, कैसे वो अपनी लर्निंग को और स्ट्रांग कर सकें और कैसे उस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी CCE के अंदर आ जाती हैं। ठीक, तो मतलब बेसिकली इसका फंडा ये है CCE का कि कैसे हम अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज को बढ़िया कर सकें, बच्चों के अंदर लर्निंग को स्ट्रांग कर सकें एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं कि जब भी आप उसको मतलब असेसमेंट करेंगे बच्चों का, जब भी बच्चों का पेपर लेंगे, टेस्ट लेंगे, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसमें कैसे किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन, आपने अपने समय में पेपर में दिया होगा, और अगर आप टीचर हैं तो फिर आप देते भी होंगे वाले क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप में क्या होता है कि एक थोड़ा सा वर्ड लिमिट रहता है, जैसे कि 400 वर्ड्स या 300 वर्ड्स जो भी है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करिए, समराइज करिए, इंटीग्रेट करिए, आपने जो भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसको आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और एक आते हैं शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अभी छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा, जैसे 30 वर्ड, 40 वर्ड, एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस वाले जो भी चीजें हो गई, या फिर इसके अंदर फिलिंडा ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, तो सब शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स के अंदर आते हैं। एक होते हैं डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे कि या तो डायग्राम बना होता है उसको लेबल करने के लिए आता है, तो डायग्राम बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर मैप को फिल करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे इसमें टिक करना होता है, जैसे MCQ वाले हो गए और ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया। तो ये चार तरह के जो टाइप्स होते हैं वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट टास्क ये जरूरी है और CCE का मतलब क्या होता है ये जरूरी है। इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पक्का आपके पेपर में हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो दो टॉपिक हो गए। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अभी देखिए, पहली बात तो लैंग्वेज का हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं। ठीक, और ये जो मैंने ये इस एक कोट के अंदर रखा हुआ है, एक डब्बे के अंदर, उसका मतलब ये, पहले बर्थ होता है बच्चे का, फिर वो लैंग्वेज डेवलप होगी, लैंग्वेज के बाद वो लेटर्स को सीखता है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ABCD सीखेंगे, उसके बाद उन लेटर्स को जोड़कर आप वर्ड्स बनाएंगे, और वर्ड्स के बाद वो सेंटेंसेस के रूप में बदल जाता है। तो ये जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का, ये बहुत ज़रूरी है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आता है पेपर में। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा फाइंड द करेक्ट ऑर्डर, तो बर्थ, लैंग्वेज, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आए हुए हैं। तो पहले हम बात करते रहिए फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेफर्स टू द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब कि बोलने के तरीके भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो एक अमेरिकन एसेंट होता है, एक ब्रिटिश एसेंट होता है, तो जो भी आप एसेंट्स को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। ओके, फिर बात करते हैं सेमेंटिक्स, SEMANTICS। इसका मतलब क्या होता है, आप वर्ड्स को कैसे समझते हैं, पढ़ते हैं और कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं, तो स्टडी ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज द सेमेंटिक्स। और एक टॉपिक होता है ग्रामर। ग्रामर तो सभी जानते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी अगर आप भाषा पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, हिंदी के भी अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जो भी रूल्स आप किसी लैंग्वेज से रिलेटेड अगर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग ग्रामर बोलते हैं। ओके, फिर एक होता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या होता है कि इंसान अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, इसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। जैसे कि अब बहुत लोग को बात करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उनको पता है कि लैंग्वेज का कैसे यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये हमारा प्रैग्मेटिक्स के अंदर चला जाता है। हाउ इफेक्टिवली अ पर्सन इज यूजिंग हिज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। और एक होता है फिनोम्स, FPHENOMES। इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे जो ब्लॉक हो गए, जैसे कि अगर आप पिन पढ़ रहे हैं तो पिन में पी आता है,
तो इनको बोलते हैं फिनोम्स। फिनोम्स मतलब कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। फिनोम्स, प्रैग्मेटिक्स, ग्रामर, सिमेंटिक्स एंड द फोनोलॉजी, ठीक है। ये पांचों टर्म्स आपके लैंग्वेज से रिलेटेड हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि बताइए सिमेंटिक्स क्या होता है, ग्रामर क्या होता है ना। तो ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने लैंग्वेज का, डेवलपमेंट का, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये सीसी तो आपका सभी में आता है, ये सारी लैंग्वेज हो गया, कुछ भी आप अगर पढ़ें ये सब में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ते तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर वो इफेक्ट डालता है। एक होता है सोशल इफेक्ट। सोशल जैसे आप जानते हैं कि किस समाज में बच्चा रहता है, जिस समाज में बच्चा रहता है वो वैसी लैंग्वेज सीख लेता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी ऑब्वियसली बातें सीख लेंगे, या फिर अगर आप ऐसे कोई भी मदर टंग हो सकती है तो मदर टंग बच्चा अपने आप सीख लेता है जिस माहौल में रहता है। और एक होता है एजुकेशनल, अब जैसे जो भी पढ़ाई आप उसको करवाएंगे तो वाली भाषा भी वो सीख लेता है। जैसे कि हो सकता है कि बच्चों को पहले इंग्लिश नहीं आती है घर पर, इंडिया की अगर मैं बात करूं, लेकिन जब वो स्कूल जाता है, स्कूल में जैसा वो बिहेवियर देखता है, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो सीख जाता है, एजुकेशनल हो गया। और एक होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि अब कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम जैसे बर्थ इंजरी हो गई हो जाती है, तो जैसे हमने कोई मिल गया में देखा होगा, जैसे रोहित हो गए, तो उनको जैसे बर्थ इंजरी हो गई तो उनको बोलने में तकलीफ होगी, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगी, तो ये सब भी होता है। और एक डिजीज है बर्थ से रिलेटेड ही होती है, ADHD, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD बहुत पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अटेंशन नहीं होता है बच्चों का, मतलब कि वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आजकल बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं, ADHD की जो बीमारी है ये आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ कि कॉमन हो गई है। तो ये आपका पता होना चाहिए कि ADHD होती है, मतलब इसमें बच्चा फोकस नहीं कर पाता है बहुत देर तक किसी एक चीज़ को लेकर, ठीक है, उनका ध्यान बहुत भटकता है। और भी चीज़ें काफ़ी, बट अभी अब इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट, तीन फैक्टर्स हो गए सोशल, एजुकेशन, बायोलॉजिकल। फिर बात करते हैं एक थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसको बोलते हैं द नेटिविस्ट थ्योरी बाय द नॉम चॉम्स्की, नेटिविस्ट थ्योरी, ठीक है। देखिए ये बायोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है, मतलब कि ये बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, नॉम चॉम्स्की ने दी थी। इन्होंने कहा था कि हम लोग के अंदर ये LAD होता है। LAD का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि LAD क्या होता है। इन्होंने बताया था नॉम चॉम्स्की ने कि LAD जो होता है ये हर इंसान में होता है और प्री डिफाइंड पहले से होता है, और वो सारे रूल्स को जानता है ग्रामर के, जो भी वो उसको पढ़ाया जाएगा, जो भाषा आप उसको पढ़ाएंगे तो सारी ग्रामर के रूल्स को समझता चला जाता है, ठीक है। तो LAD जो टर्म है, मतलब ये डिवाइस है जो हमारे में पहले से होता है, बाई बर्थ होता है, और जैसे जैसे आप बच्चों को जो भाषा के रूल सिखाते जाएंगे वो वहाँ से वो चीज़ लैंग्वेज को वो सीखता चला जाएगा। सो दिस इज नोन एज द LAD, और ये बायोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी होती है और ये लैंग्वेज रिलेटेड है। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।